अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर का जो स्टार्ट है वो हम लोग करते हैं अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज चैप्टर 7। और इसमें आज आप लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता हो कि क्रैकिंग का मतलब क्या है, क्या पेट्रोलियम की क्रैकिंग से क्या मुराद है। कल जो है वो हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पेट्रोलियम की डिटेल में स्टडी की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि पेट्रोल जो है जब हम उसको बॉयल करते हैं तो डिफरेंट बॉइलिंग जोन के ऊपर आके पेट्रोल में जितने केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनमें लिग्राइन है, नेफ्था है, गैसोलीन है, इसी तरह जो है वो इसमें केरोसिन ऑयल है, एस्फॉल्ट है, तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो वन बाय वन करके जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी कोई क्रैकिंग की टाइप जो है वो पूछ ली जाती है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। डेफिनेशन को बच्चे कोशिश करें एज इट इज तैयार करें, इसमें किसी किस्म की जो है वो आप लोग कोई लापरवाही मत कीजिएगा ताकि आपको जो है वो एग्जाम में किसी किस्म की मार्क्स की डिडक्शन को फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आज जो है वो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, अब हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, कैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो, और ये वो हाइड्रोकार्बन होंगे जो कि हायर होंगे। अब हायर से यहाँ क्या मुराद है, हायर से मुराद ये है कि जिनमें कार्बन टू हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो यहाँ देखें, यहाँ कार्बन के कितने कंटेंट्स मौजूद हैं 16, उसके बाद जब इक्वेशन जो है वो आगे प्रोडक्ट की जानिब जा रही है तो इसमें कार्बन के कंटेंट कितने आ रहे हैं, C7 है, यहाँ कार्बन का C2 है और यहाँ कार्बन का C3 है। इट मीन हमें यहाँ से अंदाजा हुआ कि जो क्रैकिंग है पेट्रोल की उसमें होता क्या है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होते हैं, तो क्रैकिंग की टेक्निक क्या है, क्रैकिंग की टेक्निक ये है कि इसमें ये जो हायर हाइड्रोकार्बन होती है इनको तोड़ा जाता है और इनको ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इनके लोअर हाइड्रोकार्बन में या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। तो सीधी सी बात है, जितने कार्बन के कंटेंट ज्यादा होंगे, जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, उतनी इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं, और जितने जैसे जैसे इनकी ब्रेक डाउन होती है और वैसे ही ये स्मॉल एटम्स में तब्दील हो जाते हैं जिनकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है इससे क्या मीनिंग हुआ कि इसमें कन्वर्जन जो है वो की जाती है हायर हाइड्रोकार्बन की जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, किसके अंदर की जाती है, लोअर हाइड्रोकार्बन में की जाती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है लो बॉइलिंग पॉइंट के साथ मोर वोलाटाइल, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको डिटेल में पढ़ा था कि कोई भी चीज जितनी जल्दी वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल से क्या मतलब है, वेपर्स बनना, यानी इनके बुखारात बन जाना, तो जैसे ही वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी जल्दी कोई चीज, यानी अगर किसी चीज का वोलाटाइल होने का रेशियो ज्यादा है, किसी के वेपर्स बनने की रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। अब आपको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी गई है बुक में C16H34, और इसका नेम जो है वो आपकी बुक में एल्केन लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों इसका नेम आप लोगों ने तैयार करना है, इसका नेम होता है हेक्साडिकेन, क्योंकि ये C10 से आप जितना ऊपर जाएंगे तो 10 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीकेन, बट C16H34 के लिए क्या नेम होगा, हेक्साडीकेन,
ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नेम है, हेक्साडिकेन। और जब आप इसको हीट करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू हेप्टेन। अब ये C7A16, इसका नेम क्या है, हेप्टेन। ये आप लोगों ने इसका नेम नीचे लिख लेना है, इस कंपाउंड का नेम है हेप्टेन। ये कंपाउंड क्या होगा आपके पास, इथीन। और ये कंपाउंड आपके पास क्या होगा, प्रोपीन। दो कार्बन के लिए बच्चों नेम होता है ETH का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है तो उसकी एंडिंग हम किस वर्ड से करते हैं, ENE से। अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल हो तो उसकी एंडिंग की जाती है ANE से। कार्बन 7 के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हेप्ट का, और अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो फिर क्या होगा, ये हेप्टेन। अगर ये डबल बॉन्ड होगा और दो कार्बन होगी तो इसका नाम इथेन नहीं बल्कि क्या होगा, इथीन। इसी तरह अगर तीन कार्बन होंगे तो लव्स प्रॉप से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नेम आपने प्रोपेन नहीं लेना, बल्कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, प्रोपीन। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इसमें कार्बन टू कार्बन की जो लॉन्ग चेन है, यहाँ देखें ये कार्बन टू कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, समालर मॉलिक्यूल में। अब ये समालर मॉलिक्यूल किस किस पर मुश्तमिल हो सकते हैं, अल्केन्स पर भी, यानी ये क्या है आपके पास, अल्केन है, और अल्कीन्स पर भी। अल्कीन से मुराद बच्चों ऐसे कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और अल्केन से मुराद ऐसे कंपाउंड है जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब आपको इस स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने स्ट्रक्चर जो है वो अलग से ड्रॉ किया, और आपको ये बताया है कि इस कंपाउंड का नेम क्या है बच्चों, हेक्साडिकेन इसको बोलते हैं। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाती है, चार। तो यहाँ पे आपने टोटल 7 कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके लिख लेनी है, और हर कार्बन के आपने कोशिश करनी है चार बॉन्ड पूरे हों। अगर आपने कहीं पर भी एक से ज्यादा बॉन्ड एक्स्ट्रा कर दिया या पांच बॉन्ड कर दिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो टेक्निकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर खोल के दिखाया, आपकी बुक में जस्ट C16A34 लिख के उन्होंने आगे C7A16 लिख दिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C7A16। तो आप बेशक ये बुक वाली ही एग्जाम्पल तैयार कर लें, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंसी को पूरा करता है। तो कार्बन के चार बॉन्ड पूरे होने की वजह से, अब यहाँ देखिए इस पूरे कंपाउंड में सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, इसमें आपको एक भी बॉन्ड जो है वो डबल नहीं मिलेगा। तो अगर एक भी बॉन्ड डबल नहीं होगा तो ये क्या है, ये कौन सी क्लास है आपके पास बच्चों, अल्केन की क्लास है, जिसमें सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। तो अगर एंडिंग जो है वो ANE से हम तब करते हैं जब इसके सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल हों, तो हमें क्या पता चला कि हेक्साडिकेन जो है जब ये क्रैकिंग के प्रोसेस से गुजरेगा, तो गुजरने के बाद इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, हेप्टेन, जो कि बेसिकली क्या है, एक अल्केन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड आपका बनेगा इथीन, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के भी आप बॉन्ड पूरे कर लें, अगर फर्ज के ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड ऊपर वाली हाइड्रोजन से है, सेकंड फर्दर टू बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से है, तो टोटल कितने हो गए, तीन बॉन्ड, और फोर्थ वन बॉन्ड नीचे वाली हाइड्रोजन से है। इसी तरह इस कार्बन के भी आप बॉन्ड कैलकुलेट करें, तो अक्सर बच्चे इस काउंटिंग में कहते हैं मैडम ये तो एक दफा काउंट हो गया, तो इसको एक दफा नहीं काउंट करना, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो शेयर हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। एज ए रिजल्ट इस बॉन्ड के लिए भी आप इस बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे, इस एटम के लिए भी इस बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे, और फॉर दिस एटम के लिए भी आप इस बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इस कार्बन के भी आप बॉन्ड पूरे करें, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इथीन होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आएं, जो कि आपकी इस डायग्राम में था कि CH3CH, यहाँ इन्होंने बच्चे ज्वाइन करके लिख दिए हैं, ठीक है, कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी टोटल कार्बन दो है और हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो टोटल कार्बन दो हुए और हाइड्रोजन चार हुए, तो आपको यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरह से लिखेंगे, तो आपको यहाँ से इसकी बॉन्डिंग की जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी कि किस तरह कार्बन जो है वो चार बॉन्ड को पूरा करता है। इन द सेम वे अगर आप प्रोपीन की जानिब आए, तो यहाँ पे तीन कार्बन में से कोई सी दो कार्बन, अब जरूरी नहीं है आप ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं, आप ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हर कार्बन के आप बॉन्ड चेक कर लें, इसके भी चार हैं, इस कार्बन के भी चार हैं, और इस कार्बन के भी ये बॉन्ड जो है वो टोटल चार है। तो इसको ड्रा करने का मकसद ये था कि आपको ये आइडिया हो कि यहाँ पे जो है
जब आप अल्केन की या हेक्साडिकेन की क्रैकिंग करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, स्मॉलर या लोअर हाइड्रोकार्बन में, और वो किस चीज के मिक्सचर होते हैं, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का भी ये मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर आप पेट्रोल, अच्छा यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि जब भी हम मोटरसाइकिल्स की, व्हीकल्स की या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उनमें जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मूवमेंट के लिए, उनमें एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों गैसोलीन। ये जो गैसोलीन है ये अपना सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये गैसोलीन हमें कहाँ से मिलती है, पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या थी आपको कल बहुत डिटेल के लेक्चर में मैंने बताया था, तो अब नहीं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से हमने ये पढ़ना है कि पेट्रोल जो है जब उसकी डिस्टिलेशन हम करते हैं तो उससे यूजुअली हमें 20% गैसोलीन हासिल होती है। लेकिन वो कहते हैं इसकी डिमांड बहुत है, किस हवाले से डिमांड बहुत है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये मेन जो है वो इंजन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और इसकी हाई डिमांड की वजह से इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई को इज ऑगमेंटेड बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इनटू अ गैसोलीन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। तो यहाँ पे हमें वो क्या बता रहे हैं कि जब आपने सिंपल फ्रैक्शनल में हमने क्या किया था कि बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग पेट्रोल को आपने सेपरेट कर लिया था, और सेपरेट करने की वजह से हर बॉइलिंग पॉइंट पे आके गैसोलीन अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हुआ था। इसी तरह जो है वो आपके पास कैरोसिन ऑयल 175 डिग्री सेल्सियस पे आके सेपरेट हुआ था। तो कहते हैं कि अगर आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो गैसोलीन सिर्फ 20% मिल रही है, तो इस तरह से तो हमें लॉस हो रहा है। हमें तो पेट्रोल के अंदर गैसोलीन की मैक्सिमम अमाउंट चाहिए ताकि वो मैक्सिमम जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो सर्कल है उसमें यूटिलाइज हो सके। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए वो जो हम करते क्या है, हमने कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल जो कि एक हायर हाइड्रोकार्बन है, इनकी फिर हम क्रैकिंग परफॉर्म करवा लेते हैं। क्रैकिंग करवाने से क्या होगा कि ये हायर हाइड्रोकार्बन है, उसके मुकाबले में गैसोलीन क्या है, एक लोअर हाइड्रोकार्बन है। तो कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल दे आर क्रैक डाउन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वंस अगेन अ गैसोलीन, जिस इस तरह से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, और इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। अब क्रैकिंग की जो है वो फर्दर बच्चों आप लोगों ने 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, ये डेफिनेशन है बच्चों इसकी और ये एग्जाम्पल है। अगर जस्ट आपसे पूछे कि डिफाइन कीजिए क्रैकिंग को, तो फिर आपने क्रैकिंग को डिफाइन करने के साथ एग्जाम्पल खुद देनी होती है। ये उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में हर दफा जो है कोई एक टाइप जो है वो डिस्कस की जाती है। लास्ट ईयर आई थी क्रैकिंग, आई थिंक ये स्टीम क्रैकिंग का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और उसमें अक्सर बच्चे जो है वो डेफिनेशन को गलत करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक की जो वर्डिंग है वो एज इट इज यूज करनी है। पता नहीं स्टूडेंट्स कॉलेज केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं या कौन सी की बुक यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जिस की बुक से भी वो वर्डिंग यूज की थी वो टेक्स्ट बुक की वर्डिंग के साथ मैच नहीं होती। तो बच्चों इसलिए अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा डेफिनेशन के लिए आप मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कीजिए टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पे, क्योंकि जो चीज टेक्स्ट बुक में लिखी गई है आपका पेपर की मार्किंग टेक्स्ट बुक के सामने रख के की जाती है, किसी की बुक को सामने रखकर नहीं की जाती। तो की बुक आप जरूर लें अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर सेकेंडरी हेल्प। मेन फोकस आपका किस पर होना चाहिए, मेन आपका जो फोकस है वो आपकी टेक्स्ट बुक पर होना चाहिए। तो थर्मल क्रैकिंग बच्चों वही है, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी भी लार्ज हाइड्रोकार्बन को क्रैकिंग आप करेंगे। क्रैकिंग का मतलब क्या है कि किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन को आपने लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर पेपर में इस तरह से आए थर्मल क्रैकिंग का, तो आप यही इक्वेशन एज इट इज लिख दें, यही टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप लिखेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसे आप बोलेंगे इस प्रोसेस को थर्मल क्रैकिंग। और इसका हर टेक्निक का आपको एक एडवांटेज मिलेगा, वो एडवांटेज आपने जरूर याद करना है कि थर्मल क्रैकिंग का फायदा ये होता है कि अगर आप हीटिंग के जरिए करते हैं क्रैकिंग, तो इससे हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं।
अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड बच्चों कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है दो तरह के बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो डबल हो या फिर ट्रिपल हो। तो यहाँ आपको पता चल रहा है इथीन में डबल बॉन्ड है, प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड है, तो ये किसकी टाइप हुई, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो ये कहते हैं जो थर्मल क्रैकिंग है ये इसलिए यूजफुल है कि इससे हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब अनसेचुरेटेड में आपको बताया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि अनसेचुरेशन का मतलब, अब आपको कहीं पर भी आएगा तो आप इसको माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि अनसेचुरेशन का मतलब क्या है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो टेक्निक है ये किस लिए यूजफुल है, कि इसके जरिए हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें इथीन और प्रोपीन है इसकी प्रोडक्शन होती है। तो उसके बाद बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फायदेमंद जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है क्रैकिंग के अंदर वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक का मतलब यही है कि कोई ना कोई कैटालिस्ट। ठीक है, तो आप बच्चों कोशिश करें कि यही इक्वेशन को यूज कर लें, हर दफा आप इसी इक्वेशन को सामने रखें, लेकिन आप इससे पहले जो है वो दो कैटलिस्ट ऐड कर लीजिए। यहाँ लिखते हुए बच्चों टू नहीं लिखा गया, तो यहाँ टू ऐड कर लीजिएगा, ये सिलिका है और एक आपके पास एलुमिना कैटलिस्ट है। तो कहते हैं इसमें भी हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्रैक करते हैं किसके ऊपर, लोअर हाइड्रोकार्बन में, किस टेम्परेचर पे। पहले देखिए बच्चों कितना टेम्परेचर था, 700। अब टेम्परेचर क्या हुआ, पहले के मुकाबले में कम हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है लोअर टेम्परेचर, जो कि कितना है आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपने कितना रखना है 2 ATM, यानी 500 डिग्री सेल्सियस और 2 ATM प्रेशर पे, और इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट। तो सूटेबल कैटलिस्ट जो कि मुनासिब हमें लगते हैं, और सिलिका और एलुमिना को जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से कैटलिटिक क्रैकिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या था कि हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना लोअर हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पहले के मुकाबले में टेम्परेचर आपने कम कर लिया, और कितना कम कर लिया, 500, प्रेशर कितना रखा 2 ATM, और कैटलिस्ट बच्चों कौन से इस्तेमाल किए, सिलिका और एलुमिना। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, और कोशिश करें बच्चों यही एज इट इज वर्डिंग जो है वो तैयार कीजिएगा। आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक क्रैकिंग की टाइप आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि हर क्रैकिंग का आपको एंड पे एक एडवांटेज मिलेगा। जो कैटालिटिक क्रैकिंग है बच्चों इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है वो यूज की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, यानी इससे हम ऐसी गैसोलीन तैयार करते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर की डिटेल जो है वो बच्चों हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में जो कि रिफॉर्मिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें या अपने जहन में इतना बिठा लें कि अगर पेट्रोल में या गैसोलीन में ऑक्टेन नंबर किसी कंपाउंड का हाई हो तो वो याद रखेगा वो गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल में आता है। ठीक है, तो कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें ऐसी गैसोलीन हासिल होती है जो कि हायर ऑक्टेन नंबर की होती है। हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है कि वो जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल में आता है, और इससे हमें इस मेथड का हमें क्या फायदा है कि इससे हमें बेहतरीन क्वालिटी जो है वो गैसोलीन की हासिल होती है। इट मीन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग, और इसको जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों थर्ड वन है जिसको हम बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। इसमें क्या करते हैं, ये जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम किस फेज में लेकर आते हैं, पहले हम इनको हीट कर लेते हैं। ठीक है, हीट करने पर ये हाइड्रोकार्बन किस फेज में चले जाते हैं, वेपर फेज में। जैसे ही ये वेपर फेज में जाते हैं तो यहाँ पे हम इसको वाटर की स्टीम बना लेते हैं। ठीक है, तो पानी को अगर आप हीट अप करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर में और स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहले हमने क्या किया, इस हायर हाइड्रोकार्बन को लिया, इसको हमने हीट अप किया, हीट अप करने के नतीजे में ये किस स्टेट में चला गया बच्चों, वेपर फेज में। वेपर फेज में जैसे ही जाएगा तब इसका रिएक्शन आपने किससे करवाना है, स्टीम से करवाना है। स्टीम क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कि वेपर स्टेट में चले गए हैं और इनको आप हीट कर रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। किस टेम्परेचर पर, यहाँ का टेम्परेचर फिक्स है राउंड अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही चला जाएगा 900 पे तो एकदम से आपने रैपिडली इसको कूल करना है। और कहते हैं इसका भी क्या फायदा है कि इससे आपको लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। अब आपने बच्चों तीन टाइप देखी, वन इज थर्मल क्रैकिंग, सेकेंड इज कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड थर्ड वन इज स्टीम क्रैकिंग।
थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में क्या हुआ था, हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, लेकिन जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन जो है वो हासिल होती है। इन तीनों के अंदर आपने इनको एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई चीज नहीं छोड़नी। एज इट इज वर्डिंग विद योर इक्वेशन जो है वो इनको तैयार कीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको वैसे इन्होंने बताया कि एक तो गैसोलीन की आप प्रोडक्शन जो है वो इससे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अलावा क्रैकिंग की प्रोसेस से हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यहाँ देखें, अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो आपको ये दोनों जो है वो इसके बाय प्रोडक्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटेन, ब्यूटीन में 4 कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है, तो ये जो है वो हमें हासिल होता है। इसी तरह जो है ये मेथड यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या थे आपको कल बताया था, सोप्स एंड सर्फ है। सिंथेटिक फाइबर में जो है ये कपड़ों की तैयारी की जाती है। फर्टिलाइजर्स में खादें आती हैं। वीट किलर्स में जो जड़ी बूटियों को खत्म करने वाले हैं। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं लाइक एथेनॉल, पिनोल और एसीटोन, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह आप वक्तन फक्तन आप देख लेंगे। फिलहाल जो है वो आप इस टॉपिक को इतना रखें। और लास्ट में बच्चों आज की अच्छी बात जो है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। कहते हैं कि गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, ठीक है, लेकिन इसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। तो आज के टॉपिक के सबक को आप याद रखिएगा और इसको जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि गुस्सा आना तो जो है वो ठीक है, आ जाता है, हर किसी को आ जाता है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी कोशिश करें कि आप गुस्से को जो है वो ऐसा पी जाएं, तो इस तरह से आपके अंदर जो है वो एक अच्छी चीज जो है वो रोनमा होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।